बनाओ, फिर देखो नेट फोर्स कितनी है, फिर ये चेक करो कि फ्रिक्शन उतना लग सकता है कि नहीं, अगर लग सकता है तो रेस्ट पे, और नहीं लग सकता तो मोशन में, और उसके बाद कहीं और एक जगह से शुरू कर दो। अगर रेस्ट पर है और किसी एक जगह से शुरू करने पे कोई भी ब्लॉक चल दिया, मतलब गलत कर रहे हैं, दूसरी जगह शुरू करो। अभी बता रहा हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। मान लो एक्सेलरेशन है तो दोनों ब्लॉक एक साथ दौड़ेंगे कि नहीं? हाँ। तो दोनों अपने लिमिटिंग में होंगे कि नहीं? हाँ। अगर दोनों लिमिटिंग के होंगे तो फ्रिक्शन लगा दो लिमिटिंग पे, बस बात खत्म, उसका टेंशन हो जाएगी। सुनो अभी कराता हूँ, ये कर, मोशन में, मोशन में, अरे वाह मोशन में, बहुत बढ़िया। आओ, क्या मोशन में अंधे हो गया? हो गया बिल्कुल अंधे हो गया, हो गया मोशन में आ रहा है, दिमाग खराब है, रोने वाले प्राणियों मोशन में आ गया सर, मोशन में आ गया सर, वो 15 किलो लिखा हुआ है। लेट मी डू इट। तुम लोग बिल्कुल बिल्कुल मतलब नाक कटा के बैठे हुए हो। यहाँ पे एफएस मैक्स बोलो कितना होता है, क्रेडिट तो हम ही ले जाएंगे, क्रेडिट तो हम ही ले जाएंगे, तुम लोगों ने गलत कर दिया है। जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे कितना आएगा, 25 25 100, अरे एक ही बात है, 100 हुआ ना, ये 100 वो 50, टोटल कितना 50, मतलब लग तो 100 सकता है लेकिन लगेगा कितना, 50 रेस्ट पे है कि? कौन बोला था भाई चल रहा है, कार्तिक सैनी तुम भी दे, अरे मतलब 50 जोड़ दिया था सर। हाँ ये पंडित है, तुम नहीं हो। कहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, करते हैं ये 100, पीछे कितना लग सकता है, अगर ये लगा 25 तो यहाँ कितनी है, तो यहाँ भी कितना है, और तो वो 50 75, फ्रिक्शन चला गया पीछे, कितना लग सकता है। हाँ सब सही है क्या, सब सही है क्या? हाँ वहाँ से करते, आओ वहाँ से कर लें भाई साहब, कह रहे हैं यहाँ से करो, इधर 50, इधर कितना लग रहा है, 75 75, तो 75 थोड़ी लगेगा, 50 चाहिए, 50 लग गया तो 50 ही तो लगा, 50 लगा तो टेंशन कितनी हो गई, 0, और टेंशन हो गई 0 तो यहाँ भी टेंशन कितनी हो गई, और यहाँ लग रहा है 100 तो फ्रिक्शन पीछे कितना लग सकता है, 25, अबे भाग गया ही राइट वाला, तो गड़बड़ नहीं हो गया, आया है पक्का पक्का पक्का, समझ आया, गलत हुआ? अच्छा मुझे कैसे पता है कि राइट वाले से करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आदत है, कैलकुलेशन मन में हो जाती है तो हम देख लेते हैं कहाँ से सही है तो वहाँ से कर देते हैं। आपकी 4 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी हमारे बराबर एफिशिएंट हो जाएंगे। करें, एक को भगा भी दें, कार्तिक सैनी ने भगा दिया था तो हम भी भगा दें। हाँ तुमने भी भगा दिया था, ओ क्रेडिट लो, गलत करने के पीछे पड़े हो, मतलब बेशर्मी की हद पार की हो। 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, इधर देखो बकवास नहीं, 0.5, यहाँ का म्यू 0.5, डेटा एकदम सिंपल क्लियर, यहाँ पे कितना फोर्स लगा दें, 100 न्यूटन, और यहाँ पे कितनी लगा दें बेटा, 500 न्यूटन, क्या ये भागेगा? यस सर। क्या इधर 50 लग रहा है, क्या उधर 25 लग रहा है, क्या भागता हुआ दिखाई दे रहा है? 500 बहुत ज़्यादा हो गया क्या, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया क्या, कम कर दें, 200 कर दो। हाँ पता है, दो तेज निकल जाए कि अपने को दिखाई ना दे, बोर्ड चीर के निकल जाए, है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आओ देखो, चलो शांति, देखो इधर सिस्टम बनाए, इधर 100 उधर 200, कितना 100 इधर, कितना 50 इधर, कितना क्लियर है मेरे, दिखाई दे रहा है अपने आप सबको, दिखाई दे रहा है 50 और 25 दिखाई दे रहा है सबको, ऋषभ पक्का पक्का, म्यू एन, कोई दिक्कत तो नहीं, 75 मतलब गड़बड़ हो गई, चल दिया, किधर भागा, कितने एक्सेलरेशन से भागा, तो हम सिस्टम का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी है और सिस्टम पे मास कितना है, अभी नहीं, सुनो, सिस्टम पे नेट फोर्स 100, सिस्टम का मास 15, ये तो तब होता साले, फ्रिक्शन ना होता, फ्रिक्शन तो है, रिटार्ड नहीं कर रहा फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट तुक्का नहीं। लेकिन एक बात तय कि अगर ये दौड़ रहा है और ये भी दौड़ रहा है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम पे आ चुका है, तो जो फ्रिक्शन यहाँ लग सकता है वो लग रहा है और जो फ्रिक्शन यहाँ लग सकता है वो लग रहा है, क्लियर है मेरी बात, तो पक्का पक्का यहाँ भी फ्रिक्शन पीछे ही होगा और यहाँ भी फ्रिक्शन पीछे ही होगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट काम करता है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 50, और यहाँ कितना लग रहा है, पक्का पक्का। अच्छा ये टेंशन है, ये टेंशन है, अबे तेल लेने जाए टेंशन, उसका कारण क्या है, अगर मैंने सिस्टम बना लिया तो इंटरनल फोर्स हो गई क्या, एक टेंशन इधर एक टेंशन मिला के कितनी हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये मिला के हो गई 100 न्यूटन फोर्स और ये मिला के हो गई 75, तो -75, क्या यही तुम्हारा एफ नेट है, यही तुम्हारा एफ नेट है, यही तुम्हारा एफ नेट है, नहीं आया, राइट वाली फोर्स
माइनस लेफ्ट वाली फोर से तो एफ नेट होगी। राइट में कौन लग रही है? 200। लेफ्ट में कौन लग रहा है? 50। लेफ्ट में कौन लग रहा है? 25। लेफ्ट में कौन लग रहा है? 100। 100, 125, 175। और यहाँ कौन है? 200। तो 200 में से इन सबको माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। 25। क्लियर है मेरी बात? आंसर कितना आया? 25। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 25/15। अब 25/15 करना है, क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम बना रखा है। क्लियर है मेरी बात? मतलब अगर बॉडी एक्सेलरेशन में है फिर तो कोई लोचा ही नहीं है, टेंशन की तुमको कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, टेंशन का कॉन्सेप्ट, इंटरनल फोर्स नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि दो मॉलिक्यूल है, फाउंडेड है, इसने इसको अपनी तरफ खींच रखा है, इसने इसको अपनी तरफ खींच रखा है, एक्शन रिएक्शन नहीं है। मान लो एक्सेलरेशन तेल लेना है, भूल भी जाओ, तो जितनी फोर्स इसने इसको खींच रखा है उतनी फोर्स इसने इसको खींच रखा है। इस बॉडी पे फोर्स लग रही कि नहीं? इस पे? सिस्टम पे? सिस्टम पे नहीं लग रही, क्यों? एफ इधर मिला के जीरो, तो सिस्टम पे जीरो। हमने दो बॉडी का एक सिस्टम बनाया, एक पे टेंशन इधर, एक पे टेंशन इधर, और टेंशन है बराबर, तो सिस्टम पे टेंशन कितनी? एक ब्लॉक पे लग रही है, सिस्टम पे नहीं है। अब कोई कहे कि टेंशन निकाल के बताओ, टेंशन है तो सही, तो हम क्या कहेंगे? इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक के लेफ्ट में कितनी फोर्स लग रही है? 200। राइट में कितना लग रहा है? 50। और एक और फोर्स लग रही है, टेंशन। लेकिन ये आदमी इस तरफ किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है जो कि 5/3 है। हाँ कि ना? सिर्फ एक ब्लॉक की बात कर रहा हूं। अब एक ब्लॉक पे तो टेंशन है ही सही, सिस्टम पे जीरो थी ना, तो हम लिखेंगे 200 - 50 - t। ये नेट फोर्स हो गई, नेट फोर्स अपॉन मास जो कि 10 है। क्या यही तुम्हारा एक्सेलरेशन है 5/3? क्या यहां से टेंशन आई? आई कि नहीं आई? मतलब जब तुमको निकालना होगा एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम को मान लोगे, और निकालनी होगी टेंशन तो पहले एक्सेलरेशन निकालो सिस्टम मान के, बाद में किसी एक बॉडी पे टेंशन फ्रिक्शन और नेट फोर्स लिख करके एक्सेलरेशन के बराबर पुट कर दो, आंसर आएगा। समझ आई ये बात कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला है, टेंशन कैसे निकाली? पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हो और उसके बाद किसी एक बॉडी को लिख लो, एक बॉडी पे राइट में लेफ्ट में लग रही 200, पीछे लग रही फ्रिक्शन 50, टेंशन लग रही पता नहीं, तो 200 - 50 - टेंशन बराबर नेट फोर्स, और नेट फोर्स बराबर एम ए होता है, तो एम से डिवाइड मार दो, एक्सेलरेशन के बराबर, टेंशन आया। तो तुम टेंशन एक्सेलरेशन फ्रिक्शन सब कुछ निकाल सकते हो, पहले क्या कंसीडर करना है? सिस्टम देखो चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा है तो वो तरीका, चल रहा है तो ये तरीका। सिस्टम बना के एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने के बाद फिर टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं है? और टेंशन एक ब्लॉक से निकलेगी, दोनों मान लोगे तो फिर जीरो हो जाएगी, टेंशन निकलेगी कितने से? एक ब्लॉक से, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट, परेशानी कोई? चलता है सब, छुट्टी।